अगला प्रॉब्लम है जेई 2012 का. इन द गिवन सर्किट अ चार्ज ऑफ प्लस 80 माइक्रो कूलम इज गिवन टू द अपर प्लेट ऑफ द 4 माइक्रो कैपेसिटर. ये 4 वाला है ना, उसके ऊपर वाले प्लेट को आपने प्लस 80 माइक्रो कूलम का चार्ज दे दिया है. देन इन द स्टेडी स्टेट द चार्ज ऑन द अपर प्लेट ऑफ 3 माइक्रो फेराड कैपेसिटर इज, इसके ऊपर क्या चार्ज होगा ये आपसे पूछा है. तो अब पहले हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं क्या होगा. जैसे ही आपने यहाँ पे प्लस 80 माइक्रो कूलम का चार्ज दिया तो देखिए क्या होगा, ये जो नीचे वाला प्लेट है, जो लोअर प्लेट है, उस पर भी चार्ज आएगा, नेचुरली चार्ज आएगा, बिल्कुल आना ही है. क्योंकि अगर एक कैपेसिटर के दो प्लेट्स होते हैं, एक पे अगर मैं ऊपर नीचे ही बनाता हूँ ना, अगर एक पे प्लस 80 का चार्ज है तो नेचुरली इसके नीचे वाले पे माइनस 80 का चार्ज आएगा ही आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल आना ही है. तो ये जो नीचे वाला है इस पर आ गया माइनस 80 का चार्ज. अब इस तीन कैपेसिटर के ये सारे प्लेट्स को देखिए, ये वाला जो है ना टी जंक्शन है, टी जंक्शन नहीं, जो हैंगर टाइप का बन रहा है ना, ये वाला इसको देखिए, ये क्या है, आइसोलेटेड है. जब भी इस तरह के सर्किट्स हों तो उसमें आइसोलेटेड पोर्शन पे जरूर ध्यान दीजिए, वहीं से सारा आइडिया आपको मिलेगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए. ये जो पोर्शन मैंने उठा लिया है ना, ये हैंगर की तरह आदमी का दो शोल्डर ऐसा दिख रहा है, ये क्या है, आइसोलेटेड पोर्शन है. इस आइसोलेटेड पोर्शन में क्या क्या हुआ, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है. तो क्योंकि ये आइसोलेटेड है, यानी कि अगल बगल से चार्ज इसके पास नहीं आ सकता है, यानी कि कुछ भी हो इन तीनों पे नेट चार्ज जो है वो जीरो होना है, अंडा होना है. अभी क्या हुआ कि ये वाला जो भाई साहब है ये माइनस 80 कूलम चार्ज लेकर बैठ गया, माइक्रो कूलम है, मैं बार बार इसको कूलम बोल दे रहा हूं ताकि थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए, आप समझ रहे हैं ना, ये माइक्रो कूलम है. तो अभी क्या हुआ कि ये वाला जो भाई साहब है ये माइनस 80 माइक्रो कूलम चार्ज लेकर बैठ गया, ऊपर वाला प्लेट ये है ना, इस ये वाला प्लेट. तो इसमें और इसमें अब कितना चार्ज आएगा, प्लस 80 माइक्रो कूलम आएगा, आएगा ना, बिल्कुल सही बात है. तो मान लीजिए कि ये वाला प्लेट जो है वो उसके पास क्यू चार्ज है, तो इसके पास कितना चार्ज होगा, इसके पास होगा 80 माइनस क्यू. तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को आप समझिए, यहां पर माइनस 80 है, यहां पे क्यू लिया तो यहां पे 80 माइनस क्यू होगा. आप तीनों के चार्ज को ऐड कर दीजिए, देखिए माइनस 80 प्लस 80 माइनस क्यू प्लस क्यू, ये सब जोड़ कर जीरो आ गया, आना ही है. क्योंकि ये तीनों प्लेट्स जो हैं वो आइसोलेटेड प्लेट्स हैं, ना कहीं बाहर से कनेक्टेड है, ना अर्थ से कनेक्टेड है, किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, तो ये तो होगा ही होगा. अब जब आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मालूम है तो उस चार्ज के कारण क्या वोल्टेज डिफरेंस होगा अक्रॉस द कैपेसिटर प्लेट्स, वो फाइंड कर लीजिए, उससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. तो पहले तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ प्लस क्यू चार्ज, और यहाँ पे कितना चार्ज आया भाई, 80 माइनस क्यू, ये सब कुछ माइक्रो कूलम में है. अब आप देखिए अब सर्किट में क्या है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ऐसे कनेक्टेड है. ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ऑब्वियसली सेम पोटेंशियल पे है, अर्थ से कनेक्टेड है, कनेक्टेड है ना, बिल्कुल सही बात है, कनेक्टेड है. तो इन दोनों के बीच, इन दोनों कैपेसिटर के बीच, ये जो 2 माइक्रो फेराड वाला है, ये जो 3 माइक्रो फेराड है, दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है. आप वैसे भी देख सकते हैं कि ये दोनों जो है 2 वाला और 3 वाला दोनों पैरेलल में है. क्यों, क्योंकि इन दोनों का ये प्लेट सेम पोटेंशियल पे है, ये प्लेट भी सेम पोटेंशियल पे है, पैरेलल में है, यानी कि दोनों के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस सेम होगा. तो वोल्टेज डिफरेंस सेम होगा, यानी कि मैं लिख सकता हूँ क्यू बाई 3 इज इक्वल टू 80 माइनस क्यू बाई 2. बहुत सिंपल है, इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए. सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा 2q इज इक्वल टू 240 माइनस 3q, आ गया 5q इज इक्वल टू 240, यानी कि q इज इक्वल टू 48 माइक्रो कूलम, आंसर सी हो गया. बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक आपको देखना था कि चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे हो रहा है. और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्यों हुआ, क्योंकि देखिए ये सर्किट बेसिकली कंप्लीट है, देखने में लग रहा है कि अलग थलग है, लेकिन ये सर्किट जो है यहाँ पे अर्थ के कारण कंप्लीट है. इसी सर्किट में देखिए, अब अगर मैं थोड़ा सा मैं ट्विस्ट ले आता हूँ, थोड़ा सा पेच फंसाता हूँ, जो मेरी आदत होती है ना हर क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न दिखाने का, अब मैं इसमें जो पेच फंसाने जा रहा हूँ, देखिए वो क्या पेच है. अगर मैं ऐसा करता हूँ कि सर्किट में सब कुछ ऐसा ही है, बस ये वाला चीज को यहाँ से हटा देता हूँ, सर्किट ऐसा है, और इसके बीच में यहाँ पर मैंने क्या किया है कि एक स्विच लगा दिया है. देखिए मैं क्या क्या ये सब अतिक्रम कर रहा हूँ, यहाँ पे एक स्विच लगा देते हैं S, मतलब खुला हुआ है, मान लीजिए अभी स्विच है. और इनिशियली आप क्या करते हैं कि इस 4 माइक्रो फेराड वाले को 80 माइक्रो कूलम चार्ज के लिए आपको कितना वोल्टेज चाहिए, 320 वोल्ट चाहिए, 320 वोल्ट से मैंने चार्ज कर दिया.
चार्ज कर दिया, इसका मतलब ऊपर वाले पे प्लस 80 माइक्रोकूलम होगा, नीचे वाले पे माइनस 80 माइक्रोकूलम का चार्ज आ गया है। क्वेश्चन समझिए, 4 माइक्रोफेराड इसकी कैपेसिटेंस है, प्लस 80 चार्ज ऊपर है, नीचे वाले प्लेट पे माइनस 80 है, और सर्किट जो होगा ऐसा है। इस चीज को मैंने यहां से हटा दिया है, ये जो अर्थिंग वर्थिंग दे रखा था ना, इसको मैंने हटा दिया है, ऐसा सर्किट बना हुआ है। और अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस स्विच को मैं क्लोज कर देता हूं। यहां पे देखिए अभी ओपन है ना, इसको मैं थोड़ा सा अलग से बनाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए सर्किट क्या है। ये ऐसा है, आप एक बिल्कुल एक नया क्वेश्चन ही हो गया, और ऐसा क्वेश्चन मुझे लगता है कि जेई 99 2001 उसमें एक दो बार काफी बार पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये सर्किट। अभी देखिए क्वेश्चन क्या बना, ऐसा आपके पास एक 4 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है, उसको आपने अच्छे से चार्ज कर दिया, ऊपर वाले प्लेट पे प्लस 80 चार्ज है, नीचे वाले पे माइनस 80 है, ये ऐसा स्विच यहाँ पे लगा हुआ है, मान लीजिए स्विच अभी ओपन है, और ये नीचे यहाँ पे कुछ अर्थ वर्थ से कनेक्टेड नहीं है। अब क्या कर रहा है कि इस सर्किट को मान लीजिए कंप्लीट कर दिया, तो आपसे पूछ रहा है कि इस ब्रांच में कितना चार्ज फ्लो किया, और ये चार्ज फ्लो करने के बाद यहाँ पर कितना चार्ज आया, यहाँ पर कितना चार्ज आया, तो इस क्वेश्चन का बताइए क्या आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि इसके अक्रॉस कुछ चार्ज फ्लो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सर्किट ये कंप्लीट नहीं है। प्लस 80 ऊपर वाले के पास है, नीचे वाले प्लेट के पास माइनस 80 माइक्रोकूलम चार्ज है। ये माइनस 80 जो चार्ज है, इसको इस प्लस 80 को छोड़कर कहीं जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये प्लस 80 और माइनस 80 आपस में चिपके हुए हैं, चिपका चिपकी कर रहे हैं। अब ये माइनस 80 तब तक इसको छोड़ के नहीं जाएगा जब तक इसको कहीं दूसरी जगह से एक्स्ट्रा पोटेंशियल नहीं मिले, कुछ अट्रैक्ट नहीं करें। अब ये सब तो आइसोलेटेड है और यहाँ पे ये सर्किट भी कंप्लीट नहीं है, तो ये वाला जो माइनस 80 माइक्रोकूलम का चार्ज है वो नीचे क्यों आएगा, किसके कारण आएगा, किसके लिए आएगा? आप ऐसा ही लॉजिकल आर्ग्यूमेंट करिए, क्यों आएगा? वो नहीं आएगा। जैसे ही मान लीजिए आपने कनेक्ट भी कर दिया, तो ये प्लेट, ये कंडक्टिंग वायर, ये कंडक्टिंग वायर सब इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, सबका पोटेंशियल भी सेम है, तो ये माइनस 80 बोलेगा कि मुझे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस तो मिल नहीं रहा है, मेरा भाई यहाँ पे प्लस 80 बैठा हुआ है, मैं उसको छोड़ के क्यों जाऊँगा? तो ये सर्किट में कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा जब आप स्विच बंद करेंगे तो। हाँ, एक केस में हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि इस सर्किट को आप क्या करते हैं, कंप्लीट कर देते हैं, अगर ये सर्किट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता, ऐसे ऐसे करके ये अगर कंप्लीट हो जाता, तब उस केस में हो सकता है चार्ज का कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होता, फिर आपको कुछ कैलकुलेशन वगैरह करना पड़ता, Q1 Q2 निकालना पड़ता। लेकिन अभी मैं उस तरफ जा ही नहीं रहा हूँ, अभी बस मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि अगर ये सर्किट ऐसे हवा में लटक रहा है तो ये स्विच बंद करने पे भी इसके थ्रू कोई चार्ज नहीं मूव करेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप बोल रहे हैं कि नहीं नहीं यहाँ पे माइनस 80 था तो कुछ माइनस चार्ज, मान लीजिए माइनस 10 यहाँ आ गया, माइनस 20 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे माइनस 10 चार्ज आया तो दूसरे एंड को भी तो चाहिए ना, कुछ प्लस 10 चार्ज चाहिए, वो कहाँ से लाएगा? यहाँ तो इसको कुछ है नहीं देने के लिए। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये अलाउड नहीं है, माइनस 80 चार्ज जो है वो ऊपर का ऊपर ही रहेगा। तो ये इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट था जो पूछा जा सकता है। इनफैक्ट इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन आई थिंक जेई 99 में पूछा गया है, तो ये जेई 99 का प्रॉब्लम है। अभी जो मैंने प्रॉब्लम और जो ट्विस्ट समझाया था वो इससे मिलता जुलता ही है। फॉर द सर्किट शोन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, इस तरह का सर्किट है, इसमें खूब सारे स्विच दे रखे हैं और पूछा है कि विथ S1 क्लोज क्या होगा, S3 क्लोज क्या होगा। और ये ध्यान रखिएगा कि जो भी रजिस्टर कैपेसिटर वाले सर्किट से क्वेश्चन होते हैं उसमें इन सब स्विच का बहुत महत्व होता है कि ये स्विच बंद किया तो क्या होगा, स्विच क्लोज किया तो क्या होगा। सर्किट में क्या दे रखा है कि C1 C2 है, 2 है, ये 3 है। इनिशियली V1 जो इसको चार्ज किया है 30 वोल्ट से, इसको चार्ज किया है V2 को 20 वोल्ट से, चार्ज करके ऐसे रखा हुआ है दोनों कैपेसिटर को। विथ S1 क्लोज, यानी कि S1 को अगर मैं क्लोज कर देता हूं, तो अब आपसे पूछ रहा है कि V1 15 वोल्ट हो जाएगा, V2 20 रहेगा, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए S1 को आपको क्लोज करने से क्या मिला, कुछ हो तो नहीं रहा है। ये सर्किट को मैं थोड़ा सा अलग निकाल लेता हूं। S1 को अगर मैं क्लोज भी कर दूं तो क्या होगा, ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस वाले प्लेट के चार्ज को फ्लो करने के लिए तो कोई जगह मिला नहीं। ये V1 30 वोल्ट है, ये 2 पीको फेराड है, तो ये प्लस वाला प्लेट है, इसके पास कुछ 60 पीको कूलम वगैरह चार्ज होगा, इसके पास माइनस 60 होगा। ये दोनों बोलेगा कि भाई मैं, हम दोनों अपनी दुनिया में खुश है, मेरे पास प्लस 60 है, मेरे भाई के पास माइनस 60 है, हम दोनों ने आपस में अपना एक गठबंधन कर रखा है, प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, मुझे कोई दरकार नहीं है इधर उधर जाने की। तो अगर आप S1 स्विच क्लोज भी करेंगे तो सर्किट में कुछ भी चेंज नहीं होगा, यानी कि V1 उतना ही रहेगा, V2 उतना ही रहेगा। तो पहला ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि पहले ऑप्शन में क्या दिखा रहा है कि V1 इज्वल टू 15 वोल्ट हो जाएगा, यानी कि V1 की वोल्टेज कम हो जाएगा, ये नहीं कमेगा। भले ही आप इसको अर्थ से कनेक्ट कर रहे हैं, अर्थ इसको कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके पास अपना चार्ज है,
वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बरकरार रहेगा। जब तक एक कैपेसिटर के पास, देखिए ये कैपेसिटर है ना सी कैपेसिटेंस का, और इसके पास ये प्लस क्यू चार्ज है, इधर माइनस चार्ज है। जब तक ये प्लस और माइनस चार्ज इस कैपेसिटर के पास बरकरार है, इसके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस क्या होगा, V will be equal to this Q by C। ये दोनों जो चार्ज हैं क्या है, बिल्कुल स्टेबल यहाँ पर बने हुए हैं, कैपेसिटेंस भी उसका सेम रहेगा, तो वोल्टेज डिफरेंस तो जो अगर 30 था वो 30 ही रहेगा, ये नहीं घटेगा, तो ए ऑप्शन गलत है। उसी तरह बी ऑप्शन भी गलत है, विथ एस थ्री क्लोज V1 is equal to V2 is equal to 25 वोल्ट। पता नहीं कहाँ कहाँ से आर्बिट ऑप्शन दे रखा है। एस थ्री क्लोज करने से क्या होगा, इसका भी जो C2 का भी चार्ज है ये सब स्टेबल अपने दुनिया में ही रहेगा, वो ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, क्योंकि सर्किट तो कंप्लीट हो ही नहीं रहा ना, सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो कहीं नहीं जाएगा, बोलेगा मैं यहीं रहूंगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये V2 भी 20 रहेगा, V1 भी 20 रहेगा, तो ये ऑप्शन भी गलत है कि V1 is equal to V2 is equal to 25, ये भी गलत है। सी देखते हैं, विथ S1 एंड S2 क्लोज V1 is equal to V2 is equal to 0। ये क्या है भाई, S1 को भी क्लोज किया, S2 भी को भी क्लोज किया, दोनों को क्लोज करने पे भी सर्किट में कुछ चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखिए सर्किट कंप्लीट अब तक नहीं हुआ है, ये स्विच आपने यहाँ बंद किया, ये स्विच यहाँ बंद किया, लेकिन अभी भी जो C1 के अक्रॉस जो चार्ज है और जो C2 के अक्रॉस चार्ज है वो अपनी अपनी जगह पे मौजूद रहेंगे। क्यों मौजूद रहेंगे, क्योंकि देखिए C2 में मान लीजिए कि चार्ज में कुछ अदला बदली हो रही है, कुछ चेंज हो रहा है, तो C2 का जो नेगेटिव प्लेट है उसके चार्ज को आने जाने के लिए तो कोई रास्ता है ही नहीं, ये S3 तो अभी भी कनेक्टेड नहीं है, इसलिए C2 का जो नेगेटिव प्लेट है वो अपने जितना चार्ज पहले था उतने ही पे रहेगा। तो C2 का नेगेटिव प्लेट जब उतने ही चार्ज पे है तो C2 का पॉजिटिव प्लेट भी उतने ही चार्ज पे रहेगा, ये उतने ही पे रहेगा, तो ये C1 का जो नेगेटिव प्लेट है वो भी उतने ही चार्ज पे रहेगा, तो सारे प्लेट्स सेम चार्ज पे रहेंगे, यानी कि कुछ भी चेंज नहीं होगा, यानी कि बी ऑप्शन भी गलत था, सी ऑप्शन भी गलत है। डी ऑप्शन में क्या लिखा है, विथ S1 एंड S2 क्लोज V1 इज इक्वल टू 30, V2 इज इक्वल टू 20। अब इसमें थक हार कर ऑप्शन ये दे दिया कि कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, आपने S1 को क्लोज कर दिया, S2 को भी क्लोज कर दिया, तो V1 भी 30 का 30 रह गया, V2 भी 20 का 20 रह गया, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये दोनों स्विच को क्लोज करने से भी चार्ज का कोई रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, C1 के पास जितना चार्ज था उतना ही रहेगा, C2 के पास जितना चार्ज था उतना ही रहेगा, क्योंकि चार्ज के मोशन के लिए अभी पाथ मिला ही नहीं है ना। C1 वाले का चार्ज का तो मान लेते हैं कि इधर उधर चला जाएगा, लेकिन जो C2 का चार्ज है वो तो यहाँ पे आके हवा में अटक जाएगा, तो इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट। इस क्वेश्चन में एक अच्छा ऑप्शन ये पूछ सकता था, दे सकता था कि अगर मान लीजिए कि S1 भी क्लोज हो जाए, S2 भी क्लोज हो जाए, S3 भी क्लोज हो जाए, तब क्या होगा। हाँ, तब उस केस में कुछ चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि देखिए पूरा सर्किट जो है ये कंप्लीट बन गया, ये भी ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है, यानी कि दोनों को आप मिला दीजिए तो आपके पास क्या हो गया, ये दो कैपेसिटर्स 2 पिकोफेराड 3 पिकोफेराड दोनों सीरीज में आ गए, दोनों के पास कुछ इनिशियल चार्ज था, लेकिन अब क्योंकि ये सीरीज में आ गए हैं तो अपने चार्जेस का वो कुछ आदान प्रदान करेंगे, कुछ रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो अब कुछ जो सर्किट है वो कुछ चेंज होगा। कब चेंज होगा, जब तीनों स्विच को आपने बंद किया। सिर्फ अगर आप एक स्विच बंद करते हैं या दो स्विच बंद करते हैं तो सर्किट का बाल भी बांका नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा। इसी कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, द कैपेसिटर ए हैज अ चार्ज क्यू ऑन इट, ये जो कैपेसिटर है इस पे चार्ज क्यू यहाँ पे आपने डाल दिया है ऑन इट, वेयर एज बी इज अनचार्ज, यहाँ पे मान लीजिए प्लस 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 चार्ज है तो यहाँ पे माइनस 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 चार्ज आ गया, वेयर एज बी इज अनचार्ज, ये जो है अनचार्ज है। द चार्ज अपियरिंग ऑन द कैपेसिटर बी अ लॉन्ग टाइम आफ्टर स्विच एस इज क्लोज, आपने इस स्विच एस को क्लोज कर दिया और अब पूछ रहे हैं कि चार्ज इस पे कितना आएगा, ये जेई 2001 का प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम भी ऑलमोस्ट उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जो जेई 99 का प्रॉब्लम था। अगर आपने इस स्विच को बंद कर दिया तो बंद करके भी क्या मिल गया आपको, सोचिए, ऐसे सोचिए कि लो भाई स्विच को मैंने बंद कर दिया तो बंद करके भी हम क्या कर लिए, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज था, ये माइनस क्यू चार्ज था। अगर आप अभी आप सोच रहे हैं कि ये माइनस क्यू चार्ज बोलेगा कि अच्छा अच्छा मुझे रास्ता मिल गया है, चलो थोड़ा सा यहाँ चले जाते हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। माइनस क्यू चार्ज जो है वो खाली पीली अपने प्लस क्यू के भाई को छोड़ के नहीं जाएगा, अनटिल एंड अनलेस इसको कोई बैटरी से वर्क डन या कुछ पोटेंशियल डिफरेंस इस साइड में नहीं आ जाए कि मान लीजिए कि ये वाला है जो ये मान लीजिए कि ये 10 वोल्ट पे है और इधर वाला जो है वो 60 वोल्ट पे है और इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, जब तक ऐसा कुछ नहीं होगा ये इलेक्ट्रॉन बिना मतलब के अपने भाई को छोड़ के नहीं जाएगा, इस प्लस क्यू चार्ज को छोड़ के नहीं जाएगा। तो ये जो माइनस क्यू चार्ज है पूरा का पूरा यहीं बना रहेगा,
स्विच आपने क्लोज भी कर दिया तो बी पे जो चार्ज है वो जीरो ही रहेगा। इस क्वेश्चन में आसानी से आप देख सकते थे कि जीरो इसलिए भी रहना है क्योंकि क्वेश्चन जो पेपर सेटर्स ने बनाया था ए और बी का कुछ कैपेसिटेंस दिया ही नहीं था, तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन होगा भी तो इक्वल या 2q वगैरह क्यों होगा, क्योंकि कैपेसिटेंस तो कुछ दिया नहीं है कि ए का कितना कैपेसिटेंस है बी का कितना कैपेसिटेंस है। इसलिए थोड़ा सा पेपर सेटर्स इस पेपर को और थोड़ा सा ट्रिकी बनाने के लिए, ट्रैप डालने के लिए ये करते हैं कि वो बोल देते हैं कि अच्छा ये जो ए है कैपेसिटर इसका कैपेसिटेंस सी है, इस बी का भी सी है, तब थोड़े से बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि अच्छा अच्छा दोनों कैपेसिटर तो भाई इक्वल दे दिया है और ये चार्ज भी है, तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि भाई चार्ज का आपस में आधा आधा बंटवारा कर लेते हैं, क्यों सारा का सारा चार्ज क्यू जो है यही रखे रहे, ये भी कैपेसिटर सी का है, ये जो बी है इसका भी कैपेसिटेंस सी है, तो मैं ऐसा करता हूं कि यहां से जो माइनस क्यू चार्ज है आधा उठाकर इसको माइनस क्यू बाई टू दे देते हैं और यहां पे प्लस क्यू बाई टू चार्ज आ जाएगा। तो ये गलत रीजनिंग है। क्यों गलत है? आपने अगर आधा चार्ज उठाकर यहां माइनस क्यू बाई टू दिया तो इस एंड पे प्लस क्यू बाई टू कौन देगा, यहां तो ये सर्किट इनकम्प्लीट है। तो जब तक सर्किट पूरा कंप्लीट नहीं हो, पूरा कंप्लीट होने का क्या मतलब है कि यहां से आपने ऐसे एक बैटरी से कनेक्ट उसको नहीं किया है या कुछ और यहां पे वोल्टेज डिफरेंस जनरेट करने के लिए मैकेनिज्म नहीं है, जब तक सर्किट ऐसे पूरा कंप्लीट नहीं हो स्विच को बंद करने से भी चार्ज का कोई फ्लो नहीं होता है। ये जो चार्ज है माइनस क्यू ये अपने भाई के साथ यहां पे रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए चार्ज में क्या होता है, प्लस क्यू से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है जो माइनस क्यू पे जाती है, यहां से ऐसे अपना चुपचाप से बहुत अच्छा इसने एक कॉन्फ़िगरेशन बना रखा है, इसको अब कोई दरकार नहीं है इस माइनस क्यू चार्ज को कि इसको छोड़ के कहीं और जाए, और वो इसलिए भी नहीं जा सकता है क्योंकि देखिए ये क्या है, एक कैपेसिटर का प्लेट है, एक कंडक्टिंग प्लेट है, ये एक कंडक्टिंग वायर है, ये भी एक कंडक्टिंग प्लेट होगा दूसरे कैपेसिटर का, ये तीनों क्या है सेम पोटेंशियल पे हैं, यानी कि इन तीनों में कहीं कोई पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो अगल बगल दाएं बाएं क्यों जाएगा, वो यहीं पे बैठा रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जीरो चार्ज फ्लो करेगा, कैपेसिटर बी पे चार्ज जीरो होगा, भले ही दोनों का कैपेसिटेंस आप सी और सी भी लिख दें लेकिन ये जो कैपेसिटर है बी उसमें कोई चार्ज नहीं आएगा स्विच बंद करने के बाद। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसने अपने सर्किट को ही कंप्लीट नहीं रखा है। हमेशा याद रखिए कैपेसिटर में चार्जिंग तभी होगी जब सर्किट कंप्लीट हो।